बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो हर क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन जरूर नजर आएगा, ठीक है ना। तो गोल्ड रश है क्या और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में क्या योगदान दिया है, उसकी हम बात करने वाले। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड रश क्या था, यूरोप के लोगों को इस बात की आशा थी या इस बात का पता था उनको कि संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जो उत्तरी अमेरिका है ना, उसमें धरती के नीचे क्या है, सोना है, मतलब गोल्ड है। और 1840 में क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में क्या हुआ, जमीन के नीचे से कुछ सोने के चिन्ह मिले, गोल्ड के कुछ चिन्ह मिले, और इसी ने क्या किया, एक तरीके से गोल्ड रश को जन्म दिया। क्योंकि जैसे ही सोने के चिन्ह कैलिफोर्निया से मिले, उसी मिलते ही क्या हुआ, यूरोप के बहुत सारे लोग अमेरिका सपना देखने के, मतलब वो अमेरिका सपना देखते थे और अमीर बनने के लालच में वो कहां पहुंच गए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चुटकियों में बहुत तेजी से वहां पे संख्या बढ़ने लग गई और वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, और इसी ने किसको जन्म दिया, गोल्ड रश को, सोने के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुई उसको जन्म दिया। अब बात करते हैं कि गोल्ड रश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में कैसे योगदान पहुंचाया। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड रश के कारण क्या हुआ, पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, और रेलवे लाइन का निर्माण करवाने के लिए चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई, चाइना से बहुत सारे लेबर को बुलाया गया, उनको नियुक्त किया गया। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम था जो 1870 में कंप्लीट हो गया था, और कनाडा में काम 1885 तक कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा गोल्ड रश के कारण क्या हुआ, उद्योग धंधों की स्थापना हुई, और गोल्ड रश के कारण एक और काम क्या हुआ कि खेती का तेज गति से विस्तार हुआ, क्योंकि संख्या तेज गति से बढ़ी, वहां पर बढ़ने लगी थी तो खेती का विस्तार करना भी जरूरी था। तो इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में काफी ज्यादा योगदान मिला गोल्ड रश के कारण, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मूल निवासी थे उनके अधिकारों के रक्षा के लिए या फिर उनके हित के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे, क्या क्या कुछ किया गया था, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं 1934 का जो इंडियन रिओर्गनाइजेशन एक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो एक्ट पारित किया गया था, ये जो कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि रिजर्वेशन में मूल निवासी क्या कर सकते थे, जमीन खरीद सकते थे। रिजर्वेशन है क्या, अब देखिए मूल निवासियों को अपनी जमीन से बेदखल करके उनके लिए जो जमीन आरक्षित की गई थी, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब रिजर्वेशन में क्या था कि मूल निवासी क्या कर सकते थे, जमीन खरीद सकते थे, अपने नाम पे जमीन करवा सकते थे, और ऋण या पैसे वगैरह उधार ले सकते थे, ठीक है। पहला पॉइंट आप बता देंगे। दोस्तों इसके अलावा 1950 से 1960 के दशक में क्या हुआ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सरकार थी और जो कनाडा की सरकार थी, उसने क्या किया, मूल निवासियों के लिए जो विशेष प्रावधान उन्होंने किए थे उनकी सुरक्षा के लिए, उसको खत्म करने की कोशिश की, ठीक है। उनका मानना यह था कि अगर उनके कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, मूलवासी मुख्य धारा में आ जाएंगे, यानी कि यूरोपीय संस्कृति को अपना लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो ऐसा मतलब चाहते नहीं थे, वो यूरोपीय संस्कृति को मूलवासी अपनाना नहीं चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाए और उनकी परंपराओं में दखल अंदाजी ना किया जाए। कहने का मतलब है कि वो ये चाहते थे कि जो मतलब अमेरिकी सरकार है या कनाडा की जो सरकार है, उनके परंपराओं में उनके जो भी संस्कृति है उसके अंदर कोई दखल अंदाजी ना करे, और रिजर्वेशन वाली जो भूमि है वो उनके पास ही रहने दिया जाए, जिससे कि वहां पर अपना जीवन यापन चला सके। ये सारे मतलब ये कुछ कानून बनाए गए थे, ये कुछ तरीके अपनाए गए थे जिससे कि मूलवासियों के जीवन में सुधार लाया जा सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी टॉपिक समझाए गए हैं समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।